प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। अपने इस कार्यक्रम के दौरान मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का भी दौरा किया, जहां पीएम ने चरखा भी चलाया। लेकिन अपने भाषण के दौरान मोदी ने भीड़ के द्वारा हो रही हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि देश में जो हो रहा है, मैं देश के इस माहौल की ओर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं और इस सब के लिए अपनी नाराजगी भी व्यक्त करता हूं। देश के वर्तमान माहौल की ओर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। जो देश चींटी को भी खिलाने में विश्वास करता है, जो देश मोहल्ले में दौड़ते बुलते फिरते कुत्तों को भी कुछ न कुछ खिलाने के लिए सोचता है, जो देश सुबह उठकर के नदी के तट पे, तालाब के तट पे जाकर के मछलियों को खिलाने के लिए परंपरा, जिस देश के संस्कार को चरित्र होते, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, क्या हो गया है हमें कि अस्पताल में कोई पेशेंट बचा न पाए, हम ऑपरेशन विफल हो जाए, दवाई कारगर न निभे और पेशेंट की मृत्यु हो जाए और अचानक परिवारजन अस्पताल को आग लगा दे, डॉक्टरों को मार दे, क्या ये मेरा देश है? क्या ये पूज्य बापू का देश है? हम क्या कर रहे हैं? और इसी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अकस्मात अकस्मात होता है, कहीं दो बजे तक टकरा गए, दुर्भाग्य से किसी एक की मौत हो गई, किसी को चोट लग गई, न जान न पहचान, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, क्या ये मेरा देश है? गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए, मैं उनसे मिला, प्रणाम किए बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते, मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौ रक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता है, और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य
श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं तब हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार हमारी मूलभूत परंपराएं अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा है। हम कैसे आपात हो रहे हैं, डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। मोदी ने कहा कि ये वो देश है जो चींटी को भी कुछ खिलाने पर विश्वास रखता है, जो देश गली में कुत्तों को कुछ खिलाने पर भी विश्वास रखता है। उस देश में अगर इस तरह से अपराध होंगे तो ये देश गांधी के पथ पर नहीं चल रहा है, जो कि बड़े दुख की बात है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।